खमर साहब स्ट्रांग रहने के बाद भी उनको मिनिस्टर नहीं दिए, उनको दबाते आए, उसके बाद उन्होंने इंतकाल हुए। उसके बाद दूसरे लीडरों को उठाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अपना दुकान बंद हो जाता, गुलबर्गा में अपना वैल्यू कम हो जाता बोलकर जो है ना। आप बेचारे मोहतरमा मैडम को देखे जिता के घर में बिठाए। मल्लिकार्जुन साहब है, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे के बारे में आज मैं मतलब सब मीडिया वाले के सामने आज एक गुजारिश रखा। जो हमारे समाज में बेड जंगम समाज बोलकर एक है, हमारे गुरु लोग बोलते हैं उनको, उनके बारे में है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या करे है, 1995 में होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखते, क्या बोलकर लिखते कि ये फॉल्स सर्टिफिकेट है, जंगम वाले को सर्टिफिकेट नहीं देना बोलकर लिखते इनके ऑर्डर में। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इश्यू फ्रेश डायरेक्शन टू द डेप्टी कमिश्नर एंड कंसर्न ऑफिसर नॉट टू इश्यू बेड़ा जंगमा सर्टिफिकेट इन द स्टेट। यानी बेड़ा जंगमा समाज को एससी कैस्ट सर्टिफिकेट मत दे बोलकर बोले सो रहा था। और उसका बेटा जो प्रियंक खड़गे है, उन्होंने बोलते कि मैं बसवा तत्व फॉलो करता हूँ, बुद्धा तत्व फॉलो करता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर के तत्व फॉलो करता हूँ बोलकर बोलते फिरता। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ मैं, कौन से तत्व फॉलो कर रहे साहब आप? या तुम्हारे पिताजी जो है ना ऐसा लेटर लिख रहे बसवा तत्व के अपोजिट में, और एक भाषण दिए से उन्हों, उसके भाषण का भी आपको सुनाता हूँ। क्या बोलकर सुनाए थे, अगर मोदी को ऐसे ही अपन जिताते आए तो आगे सनातन धर्म बनता बोलकर बोलते कदम और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म सनातन धर्म आता बोलकर बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, हमारे जो बुद्ध गौतम बुद्ध साहब थे उन्होंने कह के गए ईसो धामो सनातनों, तो उन्होंने सनातन को फॉलो करने वाले बुद्ध धर्म तुम कहाँ फॉलो कर रहे साहब, पीके साहब सनातन धर्म को कहाँ फॉलो कर रहे, बुद्ध तत्व को कहाँ फॉलो कर रहे आप? बुद्ध गौतम बुद्ध के विरोध है और आप बसवा तत्व के विरुद्ध है और आप बाबा साहेब अम्बेडकर के वचनों के ऊपर विरुद्ध है, आप हर एक चीज़ के लिए विरुद्ध है। जिनको जो हक है वो मांगने का वो लोग मन करे उनको, तुम्हारे को क्या है कि नको देव बोलने को क्या ज़रूरत है? आप ऐसा लेटर लिख के दे रहे हैं उनको ऐसी सर्टिफिकेट नको देव बोल रहे हैं और आप बोल रहे सनातन धर्म हो जाता बोल रहे, और जो है ना हमारे लास्ट टाइम भी बोला ना कमरुल साहब को हराने का कारण और उनको मिनिस्टर नहीं देने वजह से जो है ना उन्होंने नरम होके इंतकाल हुए। ऐसे बहुत सारे हैं तुम्हारे जो नहीं चाहते तुम समाजों को, खाली तुम अकेले तुम्हारा घर एक ही आगे बढ़ना, खुद के समाज के लिए भी नहीं सोचते तुम, तुम्हारा खाली घर आगे बढ़ने के लिए तुम नए सो ट्रस्टा खोल के नए सो दुकाना चला रहे, वोट बैंक के लिए खाली भाषण दे रहे, बसवा तत्व बुद्ध तत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का तत्व कहाँ भी नहीं चल रहे तुम, खाली तुम फेंक रहे। लोगों को समझ में आ गया, इसलिए जो है ना आज सभी मेरे चितापुर सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ, इन्हों नास्तिक है, इनको जो है ना कौन से भी धर्म जात नहीं होना, कौन सा भी मज़हब नहीं होना, सबके खिलाफ है, तो सोच समझ कर इनको आगे का स्टेप ले। एक बार नहीं दो बार नहीं 10 बार सोचो,
इन्हों कुछ कुछ की खाली लोगों को जो पाल रहे वो लोग तुम्हारे को आके वोट डाल बोल कर फोर्स कर रहे। तो एक एक का रोडा को कामा देखे, एक एक को बिल्डिंग का कामा देखे, एक एक को रेती मारने का कामा देखे पाल के रखे सो इन्हों। तो वो जो पाले हुए उनके जो पालतू लोग रहते वो लोग तुम्हारे को वोट करो बोलकर घर घर घूम के आके बोल रहे। उन्होंने बैठ रहा बेंगलुरु में यहाँ पर काम कर रहे उनके पालतू, तो सब समझ के आगे का स्टेप लो। इन्होंने पूरा अपना भारत अपने जो चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी को ही उसका पालतू बनाना चाह रहा। तो ये जो भी स्टेप ले रहे अपन आगे के इलेक्शन में सोच समझ कर वोट डालो। खमर खमर साहब क्या है, खमर साहब स्ट्रांग थे, खमर साहब स्ट्रांग रहने के बाद भी उनको मिनिस्टर नहीं दिए, उनको दबाते आए, उसके बाद उन्होंने इंतकाल हुए, उसके बाद दूसरे लीडर को उठाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अपना दुकान बंद हो जाता, गुलबर्गा में अपना वैल्यू कम हो जाता बोलकर जो है ना आप बेचारे मोहतरमा मैडम को देखे जिता के घर में बिठाए।